सभी को मेरा नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय लेखों में पर्यावरणीय चिंताओं का समावेश इस पे चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी हम भयंकर महामारी जैसे कि कोरोना वायरस है उसको फेस कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी ही मानव सभ्यता को आज मुश्किल में ढाल दिया है, इससे आर्थिक प्रगति भी थम गई है, लेकिन इससे पर्यावरण में कुछ अच्छे और सकारात्मक सुधार नजर आ रहे हैं जो कि वर्षों के ही सामूहिक प्रयास में नहीं ला सके। भारत में गंगा और यमुना का जल निर्मल हो रहा है तो टैम्स नदी भी शीशे की तरह साफ हो गई है। पंजाब के जालंधर से हिमालय की वादियाँ दिखना भी पर्यावरण से ही प्रदूषण के गर्द छंटने का ही नतीजा है। हवा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। नासा के अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस के कारण दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन के बाद वायु की गुणवत्ता में सुधार आया है। नासा के फीली का कहना है कि पहली बार मैंने हवा की गुणवत्ता में ऐसा नाटकीय सुधार देखा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता मार्शल वर्क कहा है कि चीन के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार ने 4,000 बच्चों और 73,000 वयस्कों की जान बचाई है। इसी तरह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूरी दुनिया में स्कूल दुकान और कारखानों को बंद करने से उत्सर्जन में गिरावट आई है। आउटलेट कार्बन ब्रीफ के अध्ययन में हमने सामने आया है कि चीन में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 25% की गिरावट आई है। फिर वाहनों का आवागमन कम होने से तेल की मांग भी घटी है जो कि कार्बन उत्सर्जन का ही प्रमुख कारण है। हालांकि लोगों के घरों में रहने से ही ऊर्जा की खपत बढ़ी है। इसी प्रकार एयरलाइन से उत्सर्जन भी रुका है। वायरस फैलने के बाद कई देशों ने उड़ानों को रद्द कर दिया जिससे कि एयर ट्रैफिक कम होने से कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैफिक अथॉरिटी का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की पहली तिमाही में 6.7 करोड़ यात्री कम हुए हैं। अथॉरिटी का अनुमान है कि इससे इस वर्ष विमान उद्योग को $113 अरब से अधिक नुकसान हो सकता है। नुकसान भी क्योंकि इससे कचरे के पहाड़ भी लग गए। काफी श्रृंखला स्टारबक्स ने अपने ग्राहकों को यूजवेल कपों का इस्तेमाल करने से मना किया है। यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के आश्वासन के बाद लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग से कोई नुकसान नहीं है। इस बीच कई देशों में मेडिकल कचरा भी बढ़ गया है। वुहान में हर दिन 200 टन कचरा मास्क टिश्यू और दूसरे मेडिकल सामग्री का भी पैदा हुआ है। लेकिन हमें पता है कि पर्यावरण एवं मानव विकास दोनों एक दूसरे से काफ़ी रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण में सुधार होता है तो मानव सभ्यता का भी विकास होगा और अगर पर्यावरण में नुकसान होता है तो मानव सभ्यता का भी अंत होगा। पर्यावरण की अनुकूलता समृद्धि एवं शुद्धता मानव विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि पर्यावरण की प्रतिकूलता एवं प्रदूषण मानव विकास में बाधक है। ठीक इसी प्रकार जब मानव विकास का पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है, किंतु जब मानव विकास पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ढालकर उसे प्रदूषित करता है तो उसे असंतुलन उत्पन्न करता है। तो वही पर्यावरण मानव जीवन के लिए कहीं खतरे उत्पन्न कर देता है। आज मानव अपने पर्यावरण के बारे में सबसे अधिक चिंतित लगता है, इसलिए कहना उपयुक्त होगा कि आज हम पर्यावरणीय क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। इसी कारण पर्यावरण एवं मानव विकास के पारिवारिक संबंध की व्याख्या हमें अध्ययन की विशेष सामग्री है। लेकिन सबसे पहले पर्यावरण क्या है इसका अर्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। साधारण बोलचाल में तो हम पर्यावरण का अभिप्राय पृथ्वी के धरातल पर किसी भी प्रकार का क्षेत्र विशेष के मनुष्य के आसपास फैली सभी दिशाओं के योग से है। आरिफ डावन मॉथन के अनुसार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ मनुष्य की निकटवर्ती दशाओं से है। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी इसमें परिवर्तन परिलक्षित होता है, वायु जल मुद्रा पादप तथा प्राणी सभी सम्मिलित रूप में पर्यावरण की ही रचना करते हैं। अमरीकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने भी पर्यावरण की बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि वायु पानी मिट्टी पेड़ पौधे तथा सभी प्रकार के प्राणी वर्ग मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। एक अन्य विद्वान के अनुसार पर्यावरण शब्द जीवों का अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जीविकीय परिस्थितियों का योग है। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में हम जीव मंडल भी कह सकते हैं कि जल मंडल और सीमेंट खनन आदि उद्योगों के धूल के कण, तापीय प्रदूषण, अणु बिजली घरों एवं विद्युत जनरेटरों में प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसी प्रकार से सब तत्व निरंतर पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं। आज शुद्ध भोजन, शुद्ध जल एवं शुद्ध वायु तीनों जीवन रक्षक तत्वों की प्राप्ति कठिन हो गई है और मीठे जहर की बात यह हमारे जीवन को खतरा बना रही है। अब पर्यावरण का जैविक संकट पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है।
यह जनाधिकीय तथा जनसंख्या के कुपोषण के संकट से संबंधित है। मानव विकास की प्रक्रिया में हर 30-35 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो रही है। विश्व की कुल जनसंख्या 724 करोड़ से अधिक है, जिसमें विकासशील देशों को अधिकांश जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। यद्यपि आर्थिक विकास से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, पर गुणवत्ता अभाव एवं गरीबी का कुपोषण के कारण कुपोषण की समस्या विकट होती ही जा रही है। भारत की जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ थी, वही 2011 में बढ़कर 121.07 करोड़ हो गई है। 35.47 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इसी प्रकार पर्यावरण का सांस्कृतिक संकट भी पड़ा है। इस संकट का मुख्य रूप से वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकी प्रगति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होने से है। बड़े शहरों में बढ़ती भीड़, बढ़ता शोर, बढ़ती गंदगी, बस्तियाँ, यातायात की समस्या, जीवन में तनाव, असंतोष, कुंठाएं, टेस्ट ट्यूब बेबी, इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, अणु अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ रासायनिक हथियार, कंप्यूटरीकरण से चलने वाला जीवन, हिंसा, तोड़ फोड़, आगजनी आदि विध्वंसात्मक गतिविधियां सृजनात्मक गतिविधियां के मुकाबले पर कहीं अधिक है। महिला उत्पीड़न, इसलिए भी हैरिस ब्राउन ने भी ठीक ही कहा है कि आज मनुष्य स्वयं ही अपने लिए कई समस्या उत्पन्न कर रहा है। इनके समाधान के लिए नियोजन, विवेकपूर्ण, साहसपूर्ण एवं बुद्धितापूर्ण प्रयासों की जरूरत है। इसी के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना भी बहुत अधिक उपयोगी है। अब देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है, इसका अर्थ हमने समझ लिया है कि पर्यावरण प्रदूषण का अभिप्राय मानव की आर्थिक गतिविधियों से वातावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से वातावरण में विनाशकारी तत्वों एवं जहरीले गैसों से फैलता है, जो केवल मानव जीवन के लिए नहीं वरन सभी प्रकार की चीजों के लिए प्राणघातक बन सकता है। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मानवीय गतिविधियों में जब प्राकृतिक तत्व विनाशकारी दिशा में सक्रिय होते हैं, जैसे प्राकृतिक शुद्ध हवा में विषैली गैसों का मिश्रण, पानी में घातक रासायनिक तत्वों का मिल जाना, वातावरण में शोरगुल हो जा हो हल्ला, कीटनाशक रसायनों या दवाओं के निरंतर प्रयोग से कृषि उत्पादों में जहरीले तत्वों का प्रादुर्भाव, सागरों में विभिन्न अवशिष्टों, तेल, रेडियो, धार्मिक पदार्थों, उसका प्रदूषण, जल के तापमान में इतनी वृद्धि हो जाना वह जल जीवों के लिए विनाशकारी हो जाए, ब्रह्मांड से निकलने वाली किरणें, परमाणु शक्ति के विकरण से विकरण, अवशिष्ट रेडियोधर्मी पदार्थ आदि को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण प्राय 7 रूपों से दृष्टिकोण है, जिसका हम बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण है। एक तो प्राकृतिक प्रकोप है। पहला कारण है प्राकृतिक प्रकोप है कि प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत जैसे आंधी है, तूफान है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप आदि से वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी उड़ने से धूल में है वातावरण, श्वास लेने में कठिनाइयां, दमा आदि रोगों का भी कारण बनता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के सकारात्मक रोग, जैसे कि इससे भी वातावरण में प्रदूषण फैलता है, जैसे कि प्लेग, टीबी, फ्लू, बहुत सी बीमारियाँ, और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस, जिसके कारण हम सभी लोग बहुत अभी परेशान हैं, सभी लोग इस भयंकर महामारी से गुजर रहे हैं। ये भी इससे भी पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक चिमनियों का धुआं भी पर्यावरण को प्रदूषण करता है। इसी प्रकार वाहन का धुआं, इसी प्रकार कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, और युद्ध में प्रयुक्त रासायनिक हथियार, रासायनिक उद्योग से गैसों का रेसा, भूमि से उपरक एवं कीटनाशक दवाओं का बढ़ता प्रयोग, तेल, कुआं, ये सब, जैसे रेडियोधर्मिता, आधुनिक युग में परमाणु शक्ति, एक्सरे है, प्रयोगशालाओं में परीक्षण आदि से विकिरण तथा अवशिष्ट रेडियोधर्मी कणों के रूप में सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में फैले रहने से मानव, पशु, पक्षियों तथा वनस्पति आदि के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। कैंसर, त्वचा की बीमारियां, दमा तथा आंखों का भी बीमारी इसका ही प्रमाण है। पर्यावरण प्रदूषण एवं राष्ट्रीय आय लेखांकन का हमको किस प्रकार से समझौता करना है। आधुनिक युग में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण राष्ट्रीय आय लेखांकन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा आर्थिक विकास में अगर पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है अर्थात पर्यावरण को क्षति पहुंचती तो उपयुक्त नहीं है। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि तथा आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य है मानव का सामाजिक कल्याण है। यदि पर्यावरण शक्ति की लागत पर आर्थिक विकास अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि है तो ऐसी वृद्धि को पर्यावरण क्षति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अगर यह पर्यावरण क्षति राष्ट्रीय में वृद्धि के मुकाबले कहीं अधिक है तो राष्ट्रीय में वृद्धि को भी औचित्य नहीं रहता है। वैसे आर्थिक कल्याण एवं गैर आर्थिक कल्याण एक ही समस्या के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आर्थिक कल्याण में वृद्धि यदि गैर आर्थिक में कमी है तो कुल कल्याण में वृद्धि उन दोनों के सापेक्षिक प्रभाव पर निर्भर करती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रोफेसर समरेशन ने शुद्ध आर्थिक कल्याण की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया। उनके अनुसार
पर्यावरण प्रदूषण तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान तथा देशों में अपराध युद्ध शांति स्थापना के लिए किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में से घटाने एवं शुद्ध राष्ट्र बची राष्ट्रीय आय में शुद्ध आर्थिक कल्याण का द्योतक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न असंतुष्टि सामाजिक कल्याण में ही कमी लाती है। स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण तथा पर्यावरण क्षति को राष्ट्रीय लेखांकन में एक महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की क्षति गैर आर्थिक कल्याण में कमी लाती है और खुद सामाजिक कल्याण को भी प्रभावित करती है। ओके, थैंक यू।